विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। पालतू कुत्ते के मसले पर पड़ोसियों ने कुत्ते के मालिक और इनके अफराद खानदान पर किया बुरी तरह से जानलेवा हमला। हैदराबाद के रहमत नगर मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत पेश आया ये वाकया। मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत रहमत नगर में पालतू कुत्ते के एक पड़ोसी के घर में दाखिल हो जाने पर पड़ोसी ने अपने मजीद चंद शरपसंद साथियों के साथ मिलकर कुत्ते के मालिक, इनकी अहलिया, इनकी ज़ईफ माँ और बहन पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले में 3 से 4 अफराद एक ही ख़ानदान के शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रहमत नगर के रहने वाले श्रीनाथ के पालतू कुत्ते ने मुबैना तौर पर हमला करते हुए इनके पड़ोस में रहने वाले धनंजय के ख़ानदान के एक रुकन को काट लिया था। इस वाक़े में दोनों ख़ानदानों के दरमियान लड़ाई झगड़े के बाद पुलिस ने इसी दिन मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके दूसरे दिन श्रीनाथ कुत्ते के साथ घूम रहा था, इसे देखते ही फौरी तौर पर धनंजय ने अपने मजीद साथियों के साथ लाठियों, बेसबॉल बैट और दिगर कई सारे मोहलिक हथियारों से इन पर हमला कर दिया। श्रीनाथ को बचाने की कोशिश करने वाले इनकी अहलिया, इनकी माँ राजेश्वरी और बहन सपना पर भी हमला कर दिया गया और बीच बचाव में आने वाले मुकामियों पर भी हमला कर दिया गया और कुत्ते के साथ भी शदीद तौर पर मारपीट की गई, जिसके नतीजे में इनके घर का पालतू कुत्ता भी शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को बग़र्ज़ इलाज करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया और पालतू कुत्ते को भी वेटरनरी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने ताज़ीज़ाद हिंद की मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए 7 में से 5 को रिमांड में भी ले लिया। एशियन टीवी न्यूज़ से खसूसी खिताब करते हुए मुतासरीन ने सारा वाक़या सुनाया और कहा कि हमला आवर पड़ोसियों से इनकी जान को ख़तरा लाहक है। मजीद कहा कि हमले में बीच बचाव में आने वाले मुकामी लोगों को भी हमला आवर संगीन धमकियां दे रहे हैं। बहरहाल मधुरा नगर पुलिस इस मामले पर मुकम्मल बारीकबीनी से कार्रवाई कर रही है। मुतासरीन ने भी पुलिस के तमाम आला अहलकारों से इनके साथ इंसाफ करने की अपील की है। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शरीफुद्दीन की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम श्रीनाथ है, मैं तेलुगु अकाडमी में रिकॉर्ड असिस्टेंट का जॉब करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये हिस्सा क्या हुआ बोले तो 8 तारीख के दिन मैं पोस्टल बैलेट डालने के लिए सुबह 8 से 8:30 बजे गाड़ी निकालने के लिए हमारे पार्क में से गेट खोला था। उतने में हमारा पेट डॉग ब्लू मेरे पीछे भाग के आ गया। उतने में हमारा भाई का गाड़ी समझ के जो धनंजय है और नेबर्स के घर कन भाग के गया था। मैं जब को पीछे भाग के, भाई नक्को हिलो, नया आदमी है ना, आपको आपके ऊपर भोकेंगा, मैं पकड़ ले तुम बोल के विद इन सेकेंड्स में कुत्ते को पकड़ लेना हो गया था। पकड़ लिया था अभी, फिर भी कुत्ते का हिसाब से उन्हें एक बार बो बोल के भाग करा। उतने में धनंजय उसके ऊपर हाथ उठाने लग गए थे, भाई कई को उसके ऊपर हाथ उठा रहे बोल के पूछे तो उनके बीवी पीछे से क्या कतर लिया क्या आपको बोल के पूछे तो धनंजय आप कतर लिए तो अभी इसको मार देते उनता बोले तो मैं क्या भाई कई को मारते मैं बोला ना, नए लोगों को हाथ आ देखे तो इन भोगता बोल के बोला ना बोले तो मैं हम लोग कुत्तों से नहीं लड़ते आदमियों से लड़ते बोल के उनके बीवी पीछे से भटकाने लग गए। उतने में छोटा बैस हो जाके हम लोग आपस में लड़ लिए थे। लड़ लेना मीन्स ज़्यादा भी नहीं, जब पुशिंग कर लिए थे थोड़ा बहुत, एक हाथा पायरा हो गया था। उन लोग भी पुलिस स्टेशन गए थे, हम लोग भी मधुरा नगर पुलिस स्टेशन, हमारा एरिया मधुरा नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आता है। हम मधुरा नगर पुलिस स्टेशन गए तो उन लोग क्या हुआ बोल के पूछे तो ऐसा ऐसा हुआ बोल के बोले तो ठीक है भाई तुम लोगों का क्या है, उन लोगों का उधर CC फुटेज नहीं है, तुम लोगों का क्या हो रहा नहीं मालूम है, दोनों के ऊपर FIR करता हूँ बोल के FIR कर दी गई। तो जब से धनंजय जो आदमी है वो घर का ओनर, तेरे को आज शाम तक मार दे तो मैं किसी हाल में तू नहीं बसता, तेरे को मार दे तो मेरा बैकग्राउंड दिखा दे तो मैं क्या समझ रहा हूँ मेरे को बोल के थ्रेटनिंग दे रहे। तो शाम को जाके मैं पुलिस स्टेशन में माधवी मैडम SI जी को बोला था मैडम ऐसा थ्रेटनिंग दे रहे, उनके सास भी आके घर कन गंदे गंदे गालियाँ दे रहे बोले तो थोड़ा हम टेंशन में है, हम संभाल लेते उन लोगों को, आप भी संभाल कर रहे हो बोल के बोले तो हम वापस आ गए थे। उतने में हमारे बच्चे समर टूर के लिए बाहर गए थे, मेरे को भी इलेक्शन ड्यूटी था, मैं 3 दिन इलेक्शन ड्यूटी जाके मंडे को नाइट को आके मंगल के दिन रेस्ट ले रहा था।
शाम को हमारा पेट को लेके ऐसे रिलैक्स होंगे बोल के बाहर वॉकिंग को निकले तो 7 जने आके एकदम मर्डर अटेम्प्ट करे, और उसके बाद जो हुआ आपको सीसी फुटेज में दिख रहा था। 7 मेंबर्स जो है, आपको कितने फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक करे? मेरे एक अकेले फैमिली मेंबर के ऊपर अटैक करे। आपके मदर्स के, आपके हमारा मेरे पे पहले अटैक कर दिया, मैं अकेला नीचे दिखे तो, उसके बाद सेव करने के लिए हमारे मिसेस आए तो उनके ऊपर भी अटैक करे, बाद में हमारे मम्मी आए तो उनके ऊपर भी अटैक करे, बाद में बाजुक वाले आ के रोके तो रुक जाके उन लोगों को थ्रेटनिंग करे कहते फ़ोन करके, उसको मारने के लिए हम आए तो तुम लोग कई को बचाने आ रहे हो उसको, किसी हाल में उसको मार देते, अगर फिर तुम लोग बीच में आए तो आप लोगों को भी मार देते बोल के उन लोगों को बोले, बोल के कल जो हॉस्पिटल में मेरे को देखने के लिए आए थे बाजुक वाले उन लोगों को बोलना बोले। 7 मेंबर जो है आपकी बस्ती की गली के छे यानी कौन कौन है? नहीं, गली में नया आके उन लोग घर चले, 1 साल के नीचे ज़मीन खरीद लिए थे और कंस्ट्रक्शन चल रहा, उनका भी नाम मेरे को परसों में जो FIR में देखे तो पता चला, उनके साले और साडवा समथिंग रिलेशंस पूरे मिलके आके अटैक करे। CCTV में दिख रहा है स्टिक से और आपको ईट से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो स्टिक्स वो जो रेंट ये हाउस जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा वही स्टिक से आपको? हाँ, वही स्टिक से, वो घर में जो सुबह से मेरे इंतज़ार कर रहे बोल के बाद में पता चला, क्योंकि मैं रेस्ट नहीं है बोल के सुबह से रेस्ट ले रहा था, घर में से बाहर नहीं निकला, कब बाहर निकलता कब अटैक करेंगे बोल के, वो घर में 4 जने थे और एक गली के बाजू में 3 जने ठहर के थे, कौन इंफॉर्मेशन दिए नहीं मालूम, मैं नीचे उतरते ही पता चला जैसा भाग के आ गए उन लोग मेरे पे। कितने जनों को रिमांड करे? अब फिलहाल तो 5 जने को करे बोल के पता चला, लेकिन 7 जने बोल के मेरे को मालूम है, और उनका मिसेस भी भटका है, उनका मिसेस का नाम भी इसमें इन्वॉल्व करना बोल के मैं आपके तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थे आप? पहले हम लोगों को 108 एम्बुलेंस में प्राइम में ले गए थे, प्राइम में फर्स्ट एड होने के बाद वहाँ इंश्योरेंस नहीं है बोले तो वहाँ से अपोलो ले गए थे, वहाँ अपोलो में हम लोगों को ट्रीटमेंट हुआ। CCTV में डॉग के ऊपर भी अटैक कर रहे थे दिख रहा, डॉग किधर है एडमिट? डॉग अब डॉक्टर्स लक्ष्मी बंजर हिल्स में एडमिट है, अब डॉग का भी हालत थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है, पहले तो 50-50 चांसेस से जिंदा नहीं रह सकता बोले, फिर भी डॉक्टर के कोशिश से हमारी किस्मत से हमारा डॉग भी हमारे जैसा बच गया। ये आपको डॉक्टर्स क्या बोले आपकी, आपके हेल्थ का, आपके वाइफ के हेल्थ का कंडीशन? अब मेरा तो अब हेल्थ ठीक होने के लिए 2 महीने लगेगा, लेकिन आपके मिसेस को आपसे ज़्यादा डैमेज हुआ, उनको छिलने के लिए भी रिकवरी होने के लिए 6 महीने लगता बोल के बोले। పడతాము వాళ్ళు బెదిరిస్తున్నారండి మమ్మల్ని, అంటే బయటనే బెదిరించారంట మా హస్బెండ్ని, అందు గురించని మేము అనుకున్నాము ఏమని బెదిరిస్తున్నారు ఇట్లా చంపేస్తామని, అంటే కోపంలో అంటారు కదా అమ్మ అందరూ, రాయండి కంప్లైంట్లో అన్నీ అన్నారు, ఇంకా కంప్లైంట్లో కూడా రాసిన, అంటే నేను నాకు భయం వేసి మా హస్బెండ్కి వాళ్ళ అమ్మ కానీ ఇంటి ముందు నేను చదువుతుంటే తిట్టుకుంటా మీ పాడలు కట్టిస్తా అది ఇదని, నెక్స్ట్ డే అరిస్తే కూడా వీళ్ళు ఎందుకు ఇంత రూట్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు నాకు భయం వేస్తుందంటే, ఎందుకు స్వప్న భయపడుతున్నావు చిన్నవి వాళ్ళు తిడతారులే అని, నా కోసమైనా వెళ్ళి మళ్ళీ చెప్పు పోలీస్ స్టేషన్లో అంటే వెళ్ళిండి ఆయన, వెళ్ళి ఇట్లా భయపడుతుంది మా వైఫ్ అని అంటే, సరే శ్రీనాథ్ నేను చూసుకుంటాలే ఎలక్షన్ డ్యూటీ కదా, ఆ తర్వాత మీ ఇద్దరిని పిలిపించి మాట్లాడతారే అన్నారు. ఆ లోపల ఇది అయిపోయిందండి, నాకు తెలీదు అంటే ఇంత ఘోరంగా మనుషులు ఉంటారని మనకేం తెలుసు. ఎలక్షన్ డ్యూటీలో ఓటు వేయడానికి వెళ్తుందండి 8 తారీఖు నాడు. మేము పైనుంచి చూస్తున్నాము, కిందికి దిగి బైక్ దిగుదామని కిందికి వెళ్ళాడు. కిందికి వెళ్ళంగానే మా బ్లూ అంటే మా పెంపుడు కుక్క కిందికి వెళ్ళిందండి, ఆయన కిందికి వెళ్ళిండని కిందికి వెళ్ళింది. కిందికి వెళ్ళగానే గేట్ కొంచెం ఓపెన్ ఉంది, ఒక సైడ్ ఓపెన్ ఉండగానే మా పెద్ద అబ్బాయి బండి మీద ఎక్కి వెళ్తుంది అన్నట్టు మా బ్లూ. అయితే అట్లాంటి బండి మీద అతను కూర్చొని ఉన్నాడంట, కూర్చొని ఉంటే అయితే ఆహా నన్ను తీసుకుపోకుండా వెళ్ళిండన్న ఒక దీంతోటి కుక్క అక్కడ వెళ్ళిందంట. అరే బ్లూ అక్కడ వెళ్తుంది నాన్న అని మేము చెప్పేసినాం కూడా మా అబ్బాయికి, చెప్పి అక్కడ దాకా వెళ్ళేసి దాన్ని పట్టేసుకున్నాడు. పట్టేసుకున్నాక ఇంకా కుక్కలతో కొట్లాడటం కాదు మనుషులతో కొట్లాడతామని ఎగ్దాం అనేసిందాం. కుక్కలం గరిపిస్తా అంటే లేదు బ్రదర్, మనం మంచిగా చెప్పినప్పుడు కొంచెమన్న మానవత్వం ఉన్న మనుషులు అర్థం చేసుకోవాలి. లే ఆగు బ్రదర్ అంటే చేయి చూపిస్తున్నాడు, చంపేస్తా కొట్టేస్తా నేను కరిసిన దాని వాళ్ళ భార్య పక్క పంట ఉన్నాకు తెలుస్తుంది కదండి కరిసిన విషయం కూడా, అది ఇంకేం కరవలేదు కానీ కరిస్తే నేను ఊరుకుంటానా దాన్ని మెడలేసి పడేస్తా అనను అనగానే ఇంకా ధనుంజయ అని అంటే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిందండి, నాకు ఆ పేరు తెలియదు ఆ మనిషి తెలియదు.
ఓకే, ఆయన చాలా కొత్త, అసలు మీకు ఆయన గురించి ఐడియానే లేదు. అస్సలు వాళ్ళ మొహాలు కూడా ఎటువంటి తెలియదు మాకు ఇప్పటి వరకు. ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ ఈ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు? ఆయన ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు. ఆ కొత్త బిల్డింగ్, పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది చూడండి, ఆ పెద్ద బిల్డింగ్ వాళ్ళది. సంవత్సరంన్నర అవుతుంది కొని, మీకు కన్స్ట్రక్షన్ జరగబట్టి కూడా 6 నెలలు అవుతుంది. ఓకే ఓకే, అట్లా అట్లా వస్తా పోవడం తప్ప మీకు వాళ్ళతో వచ్చిపోయినా కూడా మాకు, నేను మా ఇంట్లో మేము ఆ పిల్లలు డ్యూటీలకు కాలేజీలకు అక్కడక్కడ వెళ్తారు అంతే తప్ప మాకు సంబంధం లేదా ఫ్లేవర్ తోటి కూడా. అసలు ఏంటో కూడా మీకు తెలియదు. కొత్త వాళ్ళు అంటే మేము పలకరేం కూడా పలకరేము. ఓకే, ఎవరు పలకరిస్తారండి? నా కోడలు పైన ఉంటారు, నేను కింద ఉంటా, అంతే వాళ్ళు డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతారు అంతే ఉంటుంది. ఎవరి పనిలో नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है. यहां पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मिल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है. मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए. हमारा पता है मासअप टैंक फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,